प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और उनकी पत्नी जेत्सुंग पेमा वांगचुक और नन्हे कुमार जिग्मे नामग्याल वांगचुक से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी भूटान के नन्हे राजकुमार के साथ खेलते हुए दिखे। पीएम मोदी ने राजकुमार को फीफा अंडर 17 का फुटबॉल और शतरंज भी भेंट किया। खबरों में आई तस्वीरों में दिख रहा है कि पीएम भूटान के राजकुमार के साथ हाथ मिला रहे हैं और उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान राजकुमारी जेत्सुंग पेमा वांगचुक और राजकुमार जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भी मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। भूटान का यह शाही परिवार मंगलवार को राजधानी दिल्ली आया था और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी भी की थी। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत यात्रा पर आए भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक का अभिनंदन करते हुए कहा कि चीन के साथ डोकलाम गतिरात को करने भूटान का समर्थन दोनों देशों की मित्रता का स्पष्टता सबूत है। SPN News Room की रिपोर्ट।